के बाद रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट द पैशन में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 15 अगस्त 2020 काफी अहम रहा। इस दिन भारतीय क्रिकेट टीम के दो शानदार खिलाड़ियों ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। पहले भारत के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान किया और इसके कुछ देर बाद ही सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। सुरेश रैना भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले सबसे पहले बल्लेबाज हैं। इसके अलावा रैना के नाम एक और मुनफरिद रिकॉर्ड दर्ज है। 2010 में अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी और 2015 में आखिरी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में रैना जीरो पर आउट हुए थे। अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी और आखिरी दोनों पारियों में जीरो पर आउट होने वाले रैना दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं। रैना ने अपने टेस्ट करियर में 18 मैचेस में 26 से ज्यादा के एवरेज के साथ 768 रन बनाए। इनमें एक सेंचुरी जबकि 7 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। रैना ने 226 वनडे मैचेस में 35 से ज्यादा के एवरेज के साथ 5615 रन बनाए हैं। इनमें 5 सेंचुरी जबकि 36 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। इसके अलावा 78 T20 मैचेस में रैना ने 29 से ज्यादा के एवरेज के साथ 1605 रन बनाए हैं। इसमें 1 सेंचुरी जबकि 5 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल स्पोर्ट द पैशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।